अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सबा मुकद्दस अपने नए व्लॉग के साथ। और आज आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन सा व्लॉग है जिसमें आप आइलिन के लिए बैठी हैं, क्योंकि मैं आइलिन का कभी व्लॉग करती हूं। तो आज आइलिन का व्लॉग करने का मकसद ये है कि मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी देर का कह रही थी कि यार आप मेरा हेयर मसाज कर दें, क्योंकि हमें बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। जो हमारी हस्बैंड वाइफ दोनों की वीडियोस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक की जाती हैं, स्पेशली उसमें हस्बैंड जो हैं वो कमेंट करते हैं और वाइफ भी करती हैं, तो वो अच्छी फीलिंग होती है। इससे ये होता है कि ये भी एक प्यार का इजहार हो जाता है, जिसमें हम थोड़ा सा टाइम अपनी बिजी लाइफ में एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं तो हेयर मसाज करते हैं। आज हम दोनों ने एक दूसरे का करना था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जनाब उन्होंने कहा कि मैंने बात ले ली है, अब मैं आपका कर देता हूँ। तो मैंने कहा उस व्लॉग में मैं आप लोगों को एक नई चीज़ जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था कि बालों, मैंने दो तीन वीडियोस बालों के रेलिवेंट बनाई हैं, जिसमें मैंने लाइसिस के लिए, डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग आ रही है और पूछा जा रहा है कि इसका क्या हाल है, इसका क्या हाल है। तो ये एक नई चीज़ जो थी, जो कि हमारे बुज़ुर्गों के दौर से, आबाओ अजदाद के वक्त से ये चीज़ जो है वो हम लोगों को बताई जाती है आगे से यंगर्स को, कि यार जब आप लोगों को लाइसिस हो, डैंड्रफ हो, तो आप तारे मिले का जो ऑयल है वो यूज़ करें। और ये आज मैं मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ कर रही, ये तारे मिले का ऑयल है। इंडिया में भी काफ़ी लोगों को पता है और पाकिस्तान में तो तकरीबन ऑलमोस्ट सबको पता होगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में एरिक बोलते हैं, और ये वेजिटेबल्स से बनता है, सीड्स होते हैं ग्रीन कलर के, ये उनसे निकलता है, और स्पेशली ये बालों के लिए होता है, ठीक है। और ये थोड़ा शार्प होता है, मतलब इसको लगाएं तो ये लगता है, सरसों का ऑयल जो मस्टर्ड ऑयल है उसको यूज़ करें तो वो लगता नहीं है। तो और वैसे भी इसकी जो ये हार्ट भी होता है, गर्म होता है। तो इसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ, पहले मैंने गूगल सर्च की, मैंने कहा मैंने आप लोगों के साथ चूँकि शेयर करना है कि आप लोग भी ये यूज़ करें जिनको हेयर फॉल का मसला है या डैंड्रफ का मसला है। तो उससे रेलिवेंट इस ऑयल का जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे रिकमेंड किया था, मैंने कहा था कि ये आप यूज़ करो, और लाइसिस के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा ये एंटी फंगस है, एंटी डैंड्रफ है, और इससे हेयर फॉल का मसला जो है वो हल हो जाता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, खून की गर्दिश इससे सही रहती है। और इसके अलावा इसमें जो विटामिन्स होते हैं, तीन विटामिन्स इसमें जो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, एक है जनाब विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी। विटामिन सी का तो आप लोगों को पता है कि वो जनाब बीमारियों से लड़ने के लिए वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको बालों से रेलिवेंट कोई मसला है, जिस तरह एलर्जी वगैरह सर में हो जाती है, ये उसके लिए बड़ा बेस्ट है। और विटामिन के जो है वो बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और विटामिन बी जो है वो जनाब निज़ाम इंतज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। आप इसके बारे में गूगल में सर्च करें, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। नहीं, इतनी टेक्निकल चीज़ों की तरह एक्चुअली ये चूँकि हमारा बालों से रेलिवेंट है, तो जो आप कह रही हैं हेयर फॉल वगैरह, तो मेरा ख्याल है ये स्किन रैशेस जो हेड की स्कैल्प है उसकी जो स्किन है उसको ये कहीं फिट रखता है, और जब वो स्किन आपकी स्कैल्प फिट है तो चूंकि हेयर्स ने उसके अंदर से ही ग्रो करना होता है, तो फिर अगर वो फिट है, कोई मतलब स्कैल्प में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हेयर फॉल भी रुक सकता है, हेयर ग्रोथ हो सकता है। मैंने कहा मस्टर्ड ऑयल भी मैं आप लोगों को कहती हूँ, तो तारे मिले का जो ऑयल है ये ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया में ही इसकी कास्ट इस वेजिटेबल की होती है। ये अपने वालों अपने व्यूअर को बता दें कि ये लगाने के बाद जो है ये भी मैं ये इतना जबरदस्त मैंने बताया है। और ये शार्प होता है, ये देखने वालों को मैं अभी बता दूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि वीडियो के दौरान ही आपकी यूट्यूबर में भाग जाना है, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त लगता है। तो आपने इसको थोड़ा पहले गौर करना है इस बारे में, खसूसन जब बच्चों को लगाने लगे, क्योंकि ये लगेगा खसूसन बच्चों को कम ही लगाएं, मिक्स करके सरसों के ऑयल में। मैं उसमें आपको टिप दे दूंगी कि उसमें मिक्स करके लगा लें। और दूसरे नंबर पे अगर ये आपको लगेगा नहीं, ये आप लोगों ने जहन में रखना, जब आप लोगों ने किसी, ये आपको पंसार शॉप से मिल जाएगा, किसी सुपर मार्केट से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ये लगेगा नहीं तारे मिलेगा, तो वो ओरिजिनल ही होगा। जो ओरिजिनल होगा वो आप लोगों को लगेगा,
सरसों के ऑयल से इसका जो मतलब लगाने से जो फायदा है वो डिफरेंट है। एक और चीज बता दें कि ये स्मेली बहुत ज्यादा है। स्मेली बहुत ज्यादा है। तो अगर तो इसकी स्मेल से किसी को या आपके फैमिली मेंबर को किसी को प्रॉब्लम है तो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कितना बर्दाश्त करते हैं। और स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए, बालों के लिए ये जरूरी भी है। मैं तो लगाता हूँ नहाने के बाद। मैं छोटे होते मुझे लगाया हुआ है, जाहिर सी बात आपको पता, छोटे होते लाइसिस बच्चों में बड़ी ज़्यादा आ जाती है, तो मुझे मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे लगाया करते थे, लेकिन अब मैं दोबारा से लगाने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड अभी एक हफ्ता हो गया तकरीबन ये लगा रहे हैं, लेकिन पूरे कमरे में इसकी स्मेल आती है। और इवन के बाथ लेते हैं तो बाथ लेने के दौरान, लेने के बाद भी इनके सर से स्मेल आती रहती है। तो जिन लोगों को, खवातीन या मर्दों को मसला है स्मेल से, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रही हूँ, सरसों का ऑयल जो है वो इसका अल्टरनेटिव है। दोनों बहुत बेनिफिट ये ऑयल्स जो है ना, तो आप ये भी यूज़ करके देखें। हाँ, और भी आलमंड ऑयल है, आलमंड है, कोकोनट है, ऑलिव है, लेकिन अब चूंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो उसमें ऑलिव और कोकोनट जो है उसकी, कोकोनट भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में सरसों का ऑयल यूज़ किया जाता है। और आपने ये वीडियो, मैं रिकॉर्डिंग रखूँगा, आपने इनके ज़रा एक्सप्रेशन सारे नोट करने इस दौरान पेन के। अभी तो मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा, अभी मुझे लगा रहे हैं। आपको पता मर्द किस तरह से लगाते हैं, खवातीन किस तरह से लगाती हैं, शायद ये भी फ़र्क है। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा, तो उसमें मैं अपने काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर को बता चुकी हूँ कि मैं स्लगिश बहुत ज़्यादा हूँ। कोशिश करती हूँ कि कोई व्लॉग आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँ जो कि डेली रूटीन से हट के मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ भी दिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जल्दी मैं इस चीज़ के बारे में स्टार्ट लूँगी। तो अभी ये तारे मिले के तेल का था, तो मैंने कहा ये व्लॉग के सेंस में बालों से रेलिवेंट है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी के काम आ जाए जो मेरा व्लॉग देखें और वो इस्तेमाल करें। जिनको हेयर फॉल है उनको हेयर फॉल का मसला हल हो जाए, जिनको डैंड्रफ है, जिनको लाइसिस है, जिनको स्किन रैश है, स्किन रैश है। सॉरी, तो आपने ये मेरा व्लॉग जनाब स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना है, और हस्बैंड वाइफ जो है वो लाजमी देखें, क्योंकि उनके ज़्यादा ज़्यादा हमें कमेंट्स मिलते हैं कि आप लोगों का जो मियाँ बीवी आप लोग एक दूसरे को हेयर मसाज करते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इससे ना हल्की हल्की चुभन होती है। मैंने पहले ही जब इनको कह रही थी मैंने आप लोगों को, तभी कहा था ये शॉक होता है, अभी थोड़ी थोड़ी चुभन होने मुझे फील हो गई, शुरू हो गई। इट्स जस्ट अ स्टार्ट, मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई जी, ये पार्टी अभी स्टार्ट हुई, अभी तो ऑयलिंग शुरू हुई है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, मैंने कटिंग करवाई है, और ये मैंने कटिंग जानबूझ के नहीं करवाई, मैं पार्लर गई थी, बाल जो थे वो दो हुए थे। पिछली लास्ट टू वीडियोस में मेरे से पूछा गया कि आपने कटिंग करवाई है, तो आपको पता पार्लर जाए तो आप पार्लर वाली जो ब्यूटिशियंस होती हैं, पार्लर वाली होती हैं, आप उनको कहें कि थोड़े से बाल काटते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा समझ लेती हैं। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो सीज़र है वो मेरे बालों में अपना काम दिखा दिया अपने सीज़र से, और मेरे बालों की कटिंग होगी। और वैसे भी मेरा दिल कह रहा था कि मैं आगे से अपनी लुक चेंज की करती, लुक तो चेंज हुई है, लेकिन उन्होंने मेरी पीछे से भी लुक चेंज कर दी है सारी। कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला अभी देखें यार, ये तो बहुत छोटे करवा दिए, क्यों करवाने हैं? मैंने उनको कहा था कि मेरी ट्रिम कर दें, वैसे तो मैं ट्रिमिंग खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए। कोई नहीं बात, इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएंगे। अब लगना शुरू हो गया, इधर स्पेशल चुभन हो रही है। और आइलिंग आप लोगों ने एक दो घंटा, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, आपने एक दो घंटा ही आइल को रखना, उसके बाद आपने बात कर ली।
बड़ा मजा आ रहा है। आप दबा रहे हैं ना तो इससे चुभन और तेज हो रही है। ये आपको लाइव मैं रिव्यू दे रही हूँ इसका, फौरन यूज करने के बाद ही आपको भी लग बना के बता रही, उसी वक्त आप लोग बता रही। अब ये देखना है कि बालों की ग्रोथ का क्या बनता है, बाल लंबे होते हैं और डैंड्रफ का क्या बनता है, क्योंकि मेरे साथ में मुझे डैंड्रफ भी बहुत फील हो रही है और लैशेस भी मुझे लग रहा के हो रहे हैं। आप लोगों ने फेस पे ट्राई नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इससे आपको चुभन होगी। और अगर आपने बच्चों के लिए लगाना है तो आप इसमें मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा इंग्लिश में, सॉरी मैं बोल गया जरा दोबारा, एरिक पढ़ा था मैंने, फिर भी आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। स्पेलिंग क्या है? ERUC। ये ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में, मतलब वो जो मैं पढ़ी थी ना फीचर उसमें लिखा हुआ था, यहाँ पे ज्यादा यूज किया जाता है। ये इसका सीड नेम है या इस ऑयल को एरिक ऑयल बोलते हैं? एरिक इसका नेम है इंग्लिश में। अच्छा ऑयल का। वैसे ये ग्रीन कलर के वो लीव्स होते हैं, जिस तरह वो नहीं सरसों के जैसे पत्ते हैं या पालक नहीं जैसे स्पेनिश, अच्छा उसकी तरह होते हैं, उससे निकाला जाता है। और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिखे थे लेकिन मैंने बालों से रिलेवेंट पढ़े, मैंने कहा चूंकि मैंने इन लोगों के साथ शेयर करना तो मैंने लोगों को बता दी। तो मैंने जो दो वीडियोस बनाई हैं इस पे बालों से रिलेवेंट, वो आप लोग देख लिया करें, प्लेलिस्ट को चेक किया करें, उसमें आप लोगों को जिस तरह से मैं बालों की ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, लाइसिस के लिए जो जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो वो वीडियो देख लिया करें आप लोगों के, आपके सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ, चाहे वो जिस मर्जी लैंग्वेज में हो, लेकिन फिर भी वीडियोस बना दी गई है तो आप काइंडली वो सर्च कर वीडियो देख लीजिए। बस लास्ट टाइम मैंने जो बाल कटवाए थे ना उसमें सरसों के तेल का ही वो था इस्तेमाल, जिसकी वजह से मेरे बाल जो हैं वो लंबे हो गए थे और मैंने कोई उस तरह नाइलिंग यूज़ नहीं थी की और मैं ट्रिम करती थी अपने बालों को। Thank you.
बालों की लेंथ कम हो गई है, आप आगे कहते थे मैसी बाल, फिर से आयरन चाहिए होती मैसी, एक्चुअली दे आर स्टिल वेरी डेंस इन वॉल्यूम। तो अब आते हैं, बाल ऐसे होते हैं कुछ, मेरे वेवी हैं ना शायद, का भी रीज़न है। आपको पता है ये ऑयल जो है एंटी डिप्रेशन भी है, डिप्रेशन से इससे बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल से ना रिलीफ मिलता है, ये भी डिप्रेशन आजकल किसको नहीं है, हर किसी को। मुझे तो सरसों से ज्यादा इसके बेनिफिट ज्यादा लगे हैं। सरसों का ये है कि वो कुकिंग में भी है, वो वैसे भी उसको बहुत ज्यादा यूज है, इसका कुकिंग का नहीं मैंने पढ़ा। एक्चुअली ये थोड़ा शॉप है ना, दैट्स व्हाई पीपल अवॉइड इट। ऐसे ही बहुत कम यूज करते हैं। मैं तो चाहता हूं आप जाइना भी इसको ट्राई करें, क्योंकि जाइना की आप कंप्लेन कर रही थी उसको स्कैल्प में रैशेज हैं। हाँ जी, उसको इचिंग है, उसको खारिश पड़ी होती है। मुझे ये डर है उसको लगेगा, बड़े तो ऐसी बात बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चों में ज़रा बर्दाश्त नहीं होती है। Looks like this oil is not working on you. The complaint is not. No, this is working, but it's here only this part. On this area. Yeah, मेरे हाल में इससे कम आपने ज़्यादा use किया है, बाकी जो को मैं कम किया है वहाँ पे मुझे चुभन ही नहीं हो रही। ये जो जगह है ना जो कम की है यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, आपने direct मेरे हाल में ये भी डाल दिया ज़्यादा पीछे, वो बेला नहीं यार बालों में जज़्ब हो गया, वो स्कल्प में नहीं हुआ। जाइना की और मेरी स्टोरीज की जो वीडियोज हैं वो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक नहीं आ रही, तो आपकी जो एंकर है यूट्यूबर है वो बड़ी लेजी है, जल्द वो भी जाइना की भी मैं वीडियो जो है वो बनाऊँगी और अपलोड कर दी जाएगी। और आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फौरन कमेंट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। कोशिश तो यही करती हूँ कि आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि बार बार क्वेश्चन किया जाता है और अजीबो गरीब किया जाता है, जिसमें रिप्लाई मैं करती हूँ। अगर आप लोग हर्ट होते हैं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग भी समटाइम उकता जाते हैं एक ही तरह के क्वेश्चन से, एक ही तरह की बात से, वो भी थोड़ी डिफरेंट हो, सॉरी फॉर दैट। ये गर्दन पे बेशक ना करें, क्योंकि ये गर्दन पे तो लगेगा ना स्किन पे। नहीं मैंने नहीं किया, गर्दन में नहीं किया, नहीं किया। नहीं तो जब आपको करते हैं मस्टर्ड ऑयल का तो वो तो नेक मसाज भी होता है ना। So you are having a sharp sensation on this area. Yes. In very, I would say. And other areas are very calm. And maybe आपके इस एरिया में को स्किन प्रॉब्लम हो और जहाँ पे ये भी तो हो सकता है। I tried my best to apply equally. तो अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा feel हो रहा है। ये भी हो सकता है। पोर्स में भी जाके शायद ये इचिंग और चुभन पैदा करता होगा। पोर्स इचिंग तो नहीं, लाइक शार्प सेंसेशन होगी। नहीं मैं कह रही हूँ जिस तरह स्किन के हवाले में फेस के पोर्स ओपन होते हैं, इस तरह से सर के भी होंगे ना, तो भी शायद जाके ड्रग यहाँ पे गया होगा, जो हम लोगों को जो चुभन होती है ना पोर्स में ये जाके वर्क करता होगा।
और मेरे लास्ट में जो गर्ल्स हैं उनके कुछ हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, वो यही यूज करती हैं। हाँ नहीं मियल और ये हाँ सना अनम सारा। अच्छा। मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करती, यूज टू आ जाता ना बंदा। द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई यूज दिस ऑयल तो मुझे काफ़ी पेनफुल लगा, बट नाउ एज आई एम यूजिंग इट विद अ रूटीन तो भी मुझे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं है फेस करने यूज टू होता जाता ना बंदा आहिस्ता आहिस्ता। अब दबाते ना रहे थोड़ी, वो भी हल्का हल्का मसाज भी रहे हैं। लाइक दिस। और मुझे पता कैसे स्मेल आ रही है, लाइक कि कोई बड़ी कड़वी मूली नहीं होती, उसके पत्तों में से भी ऐसी आती है, उसकी ऐसी ऐसी स्मेल उसी की तरह आप मूली काट रहे होते हैं और जरा सी टेस्ट करें तो वो अंदर जो उसकी स्मेल जाती है वो वाली स्मेल फील हो रही है। ऐसे सही कह रही हूँ। मुझे थोड़ी थोड़ी ना सरसों का ऑयल है उसकी भी हल्की हल्की, वो जो बिल्कुल प्योर होता है। अच्छा, उसमें फिर ये है कि जिस कोल्हू वाले से हम लेके आए हैं तो मुमकिन है, चूंकि उसका कोल्हू तो एक ही है, तो जब उसने ये वाला सरसों वाला ऑयल उसमें से निकाला होगा तो उसमें से चूंकि उसने सरसों का भी निकाला तो मुमकिन है उसकी थोड़ी बहुत मिलावट हो सरसों की भी, नॉट इंटेंशनली, लेकिन आपके सामने निकाला था। नहीं मैं तो जाते बस ऑर्डर कर गया था, मैंने कहा ये तैयार करके तो घर दे जाइएगा तो दे गए। और ये है भी मेरा ख्याल है बड़ा इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो सरसों के मोर हैं। लाइक सरसों के ऑयल की, शायद सरसों का ऑयल इससे एक्सपेंसिव हो। इसीलिए आप लोगों को सुपर मार्केट से नहीं तो पंसार से मेरे ख्याल में आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, सुपर मार्केट से जो मिलेगा पता नहीं वो प्योर होगा कि नहीं। या केमिकल से बनाया गया होगा, ये भी हो सकता है ना। हाँ मुमकिन है इसकी शार्पनेस को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उसमें कुछ ऐसी चीज डाली हो। क्योंकि जब हम लोग सरसों का मस्टर्ड ऑयल खरीदने जाते हैं ना, अगर सुपर मार्केट से खरीदे ना तो वो काफ़ी कंपनीज का होता है, कलर उनकी डिफरेंट होते हैं, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है। हाँ जी नोट कीजिएगा। ग्रीन हाँ ग्रीन भी होता है। मस्टर्ड आई। हाँ अच्छा, आई नेवर सी। ग्रीन भी होता है, ब्लैक भी होता है कई दफ़ा। वो मेरे ख्याल में उन्होंने या तो केमिकल की मिलावट की हुई जाती है। नहीं अभी तक यहाँ पे इसी फील हो रही है, ये जो मांग है ना, मांग वाला एरिया पीछे मुझे इतनी कुछ फील हो रहा है। और ये वहीं पे मैंने एक्चुअली थ्रो किया था ज्यादा। आपको हेयर फॉल का इससे फर्क पड़ा वहां बीच में आप यूज कर रहे हैं? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के मुझे तो मैं तो जब भी देखता हूँ मेरे मेरे हेयर वॉल्यूम जो है उसको हर रोज़ कम नहीं होता मैं फील कर रहा हूँ, और मैं जब मिरर में चेक करता हूँ लाइट मेरे सर में पड़ती है तो आई सी माई स्कैल्प, तो मुझे तो परेशानी होती है कि यार इस हेयर फॉल को कैसे। एक्चुअली मेरी एक्सरसाइज जो है ना, मैं जब रनिंग करता हूँ ना हाँ उससे जी मेरी हेयर फॉल फिर इंक्रीज हो जाती है। लुक्स लाइक आई हैव टू अच्छा सेक्रीफाइस ये वन एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जब बाइंडिंग करवाते हैं तो हम लोगों को नींद आती है, इसकी चुभन की वजह से नींद भी नहीं आती। थिंग। वो बंदा थोड़ा
मतलब उस माहौल में जाने लगता है कि आपको नींद आ रही है, वो चुभन इतनी जोर से हो रही है कि आप नींद में नहीं जा सकते। आप लोगों को देख के मुझे नींद आएगी, लेकिन जब यूज करेंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। और यू माइट बी थिंकिंग कि यार शी इज वेरी रिलैक्स्ड, तो शायद इसमें की शार्प सेंसेशन नहीं है। मेरा ख्याल है आप कंट्रोल कर रही होंगी, ऐसे ही है ना? अदरवाइज फील अगर आप लिखाएंगे तो इस इतनी काम शायद ना हो जितनी ये मेरी मिसेज आपको। वैसे भी खवातीन जो है ना वो काफी काम होती है, बर्दाश्त होती है भाई खवातीन में, नो डाउट। बायोलॉजिकली यू आर स्ट्रॉन्गर देन देन मेन। अब थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी लिटिल बिट नहीं जिसको बोलते हैं। अच्छा वॉश के बाद भी इसको शैम्पू से वॉश करें ना, उसके बाद भी इसकी स्मेल जो है वो रहती है, जाती नहीं। नहीं तो नहीं चाहिए अगर आप प्रॉपरली करें। वो यूज़ करती है ना तो मुझे उससे पता है, इवन कि आपके टॉवल से भी आएगी, आपके पिलो से भी आएगी, पूरे रूम से आएगी, जहाँ जहाँ आप जाएंगे। अगर कोई आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा मतलब हग करेगा या आपके पास बैठेगा तो उसको फौरन आ जाएगी कि आपने क्या यूज़ किया। आपने उस दिन खोला नहीं था फर्स्ट टाइम, तो पूरे रूम में बल्कि घर से आना शुरू हो गई थी। ऐसा ऐसा हम लोग तो यूज टू हो जाते हैं, लेकिन जो बाइट्स खाता है बंदा तो फिर उसको थोड़ी डिफरेंट लगती है। अच्छा तो इसकी स्मेल इज नॉट वेरी प्लेजेंट, मतलब होता है ना कि बंदा यार उसको लाइक करता है, जैसे कड़वी कड़वी नहीं कह सकते, तीखी उस तरह से है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प स्मेल। मोस्ट वेलकम। मेरे हस्बैंड ने अपने बिजी टाइम में से मेरे लिए वक्त निकाला, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है ना, तो मैंने इनको बताया कि यार काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, काफ़ी देर हो गई है हम लोगों को एक दूसरे को हेयर आयलिंग में टाइम दिए हुए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आई कांट से एनी टाइम। मसाज का मुझे मेरे दिमाग को दबा ज्यादा रहे हैं। अच्छा अभी एंडिंग करें, आई थिंक वी शुड क्लोज नाउ। अच्छा जी, अभी हम लोग आप लोगों ने सारी वीडियो देखी, उसमें हमारी बातों को होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, जो हम लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया और आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस था, मैंने साथ ही आपको रिव्यू भी दे दिया जो भी यूज़ किया इनका, तो आप लोगों के साथ अगर जो जो हेयर फॉल से या डेंड्रफ से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं या डिप्रेशन से रिलीफ के लिए चाहते हैं, तो फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, तारे मेरे का ये तेल है, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप यूज़ कीजिएगा और इसका रिव्यू जो है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये मेरी वीडियो थी। और एक और चीज़ है, मुझे याद आई कि मेरे से अक्सर सब्सक्राइबर जो हैं वो पूछते हैं कि आप इंस्टा पे हैं। जी मैं इंस्टा पे हूँ, सबा वीलॉग के नाम से मेरा है, फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की वजह से जिस तरह यहाँ पे यहाँ तक मैं आ गई हूँ, 8K हो गए हैं ऑलमोस्ट, और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, आप लोगों की लव रिस्पेक्ट और केयर की वजह से।